हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल्स। हमेशा की तरह फिर इस बार मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक नए टॉपिक को लेकर के, जिसका नाम है टैनिया सोलियम्स। हम आप लोगों को पहले भी बता चुके हैं कि बहुत ही अच्छे से लिखना चाहिए, कोई भी टॉपिक्स को पॉइंट वाइज लिखना चाहिए। तो हम आप लोगों को बिल्कुल इसी तरह से नोट्स को प्रोवाइड किए हैं। तो चलते हैं आगे हम टैनिया सोलियम के बारे में लेकर के। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है इंट्रोडक्शन। टैनिया सोलियम जो है दो वर्ड से मिलकर के बना है, जिसका की नाम है टैनिया एंड सोलियम। टैनिया विच मीन्स चेन्नाइक, सोलियम विच मीन्स स्कॉलेक्स, यानी कि वैसा बॉडी या फिर मॉर्फोलॉजी, यानी कि टैनिया सोलियम को हम ऑटोमोस्ट से पहचान सकते हैं, ऑटोमोस्ट बॉडी लाइक से। कैसे? तो वो चेन लाइक देखने को मिलेगा हम लोगों को। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज कॉमनली नोन एज टेप वर्म्स। इसका जो कॉमनली नाम जिससे जाना जाता है उसका नाम है टेप वर्म्स। इट इज ए पैरासाइट विच क्रिएट्स टैनेसिस। टैनिया सोलियम जो है एक पैरासाइट से जो टैनेसिस नाम का डिजीज को क्रिएट करता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इसमें है डिस्ट्रीब्यूशंस। टैनिया सोलियम इज कॉस्मोपॉलिटन बट मोस्टली फाउंड ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स। तो डिस्ट्रीब्यूशंस यानी कि एरिया, यानी कि कहाँ पाया जाता है, तो ये एक कॉस्मोपॉलिटन पैरासाइट्स है और ये ज्यादातर जो है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा हैबिट। इट इज प्लेटी हेलमेंथिस इंडो पैरासाइट्स। हैबिट में हम लोग इसका जो है फालम का नाम देते हैं। तो ये कैसा इंडो पैरासाइट्स है? प्लेटी हेलमेंथिस इंडो पैरासाइट्स। नेक्स्ट है हैबिटेट। इट इज सीलोजोइक इंडो पैरासाइट एंड फाउंड इन स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ मैन। इट अटैचेस टू म्यूकोसा विद हेल्प ऑफ स्कॉलेक्स एंड रेस्ट टेपरिंग बॉडी लाइज फ्रीली इन इंटेस्टाइन, ऑल्सो फाउंड इन पी कैटल डॉग एक्सेट्रा। तो देखिए, हैबिटेट का मतलब होता है कि टेप वर्म कहाँ पाया जाएगा। तो आप कहेंगे कि हैबिट और हैबिटेट में क्या डिफरेंस है? तो हैबिट में हम उस चीज़ को लिखते हैं जिसका कि ये फैलम्स होगा, ठीक है। और हैबिटेट मतलब यानी कि हमारा जो है वो कहाँ पाया जाएगा। अगर इंडो पैरासाइट है तो हमारे बॉडी में अगर पाया जा रहा है तो हमारे बॉडी के किस पार्ट में पाया जाएगा, तो वो कहाँ पाया जाएगा? इंटेस्टाइन ऑफ मैन। ओके, और ये हमारा कैसा इंडो पैरासाइट है? तो सीलोजोइक पैरासाइट से। अब ये हमारे इंटेस्टाइन में पाया जाएगा, तो ये कैसे अटैच होता है, किसके हेल्प से अटैच होता है और ये कैसे हमारे बॉडी में फ्रीली मूव करता है, ये सारी चीज हम लोगों को पढ़ना है। तो ये इट अटैचेस टू म्यूकोसा विद हेल्प ऑफ स्कॉलेस, यानी कि हमारे इंटेस्टाइन में ये स्कॉलेस यानी कि माउथ, स्कॉलेस का विच मीन्स कह सकते हैं हम लोग माउथ, यानी कि हमारे जो इंटेस्टाइन में है ये अपने स्कॉलेस यानी कि माउथ पाउट के हेल्प से ये हमारे इंटेस्टाइन में अटैच रहता है। एंड रेस्ट टेपरिंग बॉडी लाइज फ्रीली इन इंटेस्टाइन। अब बाकी जो इसका जो बॉडी पार्ट होगा वो इंटेस्टाइन में फ्रीली वो लाइज करेगा, यानी कि मूव करते रहतेगा। ऑल्सो फाउंड इन बी कैटल डॉग एटसेट्रा, और ये हमारे मैन के इंटेस्टाइन में पाने के अलावा ये पी कैटल और डॉग में भी देखने को मिलता है। तो ये था हमारा हैबिटेट। आगे चलते हैं हम शेप में, आखिर इसको ये देखने में कैसा है। इट इज डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड लाइक ए रिबन विच इज लॉन्ग नैरो एंड पजेसेस न्यूमरस सेगमेंट्स। कह रहा है क्या कि इसका शेप जो है डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होगा, यानी कि चिपटा होगा, लाइक ए रिबन, बिल्कुल एक रिबन की तरह देखने को मिलेगा। विच इज लॉन्ग नैरो एंड पजेसेस न्यूमरस सेगमेंट्स, और ये बहुत ही लॉन्ग और नैरो यानी कि पतला न होगा। और दूसरी बात यह कि इसके अंदर जो हमारा जो बॉडीज होगा यानी कि ऑटोमोस स्ट्रक्चर जो होगा उसमें ढेर सारा हम लोगों को सेगमेंट देखने को मिलेगा। साइज इसका 1 to 5 meter लॉन्ग होगा। नेक्स्ट आता है हमारा सिस्टमैटिक पोजीशन, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज होता है किसी भी टॉपिक्स को पढ़ना, तो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज होता है उसका सिस्टमैटिक पोजीशंस। तो हम लोग पढ़ते हैं टैनिया सोलियम का सिस्टमैटिक पोजीशंस। फाइलम प्लेटी हेलमेंथिस, ये हम पहले भी आपको लोगों को बता चुके हैं हैबिट में कि ये एक प्लेटी हेलमेंथिस इंडो पैरासाइट्स है। तो हमारा फाइलम क्या हो गया? प्लेटी हेलमेंथिस। क्लास सेस्टोडा, ऑर्डर टैनियोटीडा, यानी कि इसका दूसरा नाम है सैक्लोफाइलिडा। जेनस हो गया हमारा टैनिया, स्पेसिस हो गया हमारा सोलियम। नेक्स्ट आता है हमारा स्ट्रक्चर। अब हम लोग जो है टैनिया सोलियम के स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे। बॉडी ऑफ टैनिया इज डिवाइडेड इनटू 3 parts, यानी कि टैनिया सोलियम का जो बॉडी है वो 3 parts में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला पार्ट जो है वो है हमारा हेड, जिसको कि हम लोग स्कॉलेक्स के नाम से भी जानते हैं।
तो हेड कैसा है टेनोसोलियम का? इट इज राउंडेड इन शेप एंड इट्स एंटीरियर कॉनिकल एंड रोस्टेलम बियर्स ए डबल रो ऑफ हुक्स. देयर आर फोर सकर और एसिटाबुला ऑन स्कॉलेक्स व्हिच मेक फर्म अटैचमेंट टू इंटेस्टाइन. तो ये जो है हमारा टेनोसोलियम का जो हेड है वो कैसा हुआ है? राउंडेड है और इसका एंटीरियर जो पार्ट जो है वो कॉनिकल लाइक स्ट्रक्चर से रोस्टेलम यानी कि माउथ. रोस्टेलम मीन्स क्या हो गया? माउथ. तो इसका माउथ कैसा है? डबल रो ऑफ हुक्स. अभी हम आप लोगों को डायग्राम बताएंगे तो समझ में आ जाएगा कि डबल रो ऑफ हुक्स कैसा होगा यानी कि इसका हेड का पार्ट जो है देखने में कैसा होगा. देयर आर फोर सकर और एसिटाबुला ऑन स्कॉलेक्स विच मेक फर्म अटैचमेंट टू इंटेस्टाइन यानी कि इंटेस्टाइन का से अटैच होने के लिए इसके पास जो है फोर सकर यानी कि हुक लाइक स्ट्रक्चर जो होता है वो बना हुआ होता है ताकि वो इंटेस्टाइन को अच्छे से पकड़े हुए रहे और वो ताकि इधर से उधर ना हो सके एक फिक्स्ड पोजिशन में ये वर्क कर सके अपने प्रोसेस को. नेक्स्ट आता है इसका नेक. नेक रीजन लाइज आफ्टीरियर स्कॉलेक्स यानी कि माउथ हेड के जस्ट बाद जो है हमारा जो पोर्शन होता है वो होता है हमारा नेक का यानी कि स्कॉलेक्स के ठीक बाद का जो रीजन होगा वो हमारा होगा नेक का. न्यू सेगमेंट्स आर बडेड ऑफ थ्रू आउट लाइफ फ्रॉम दिस रीजन इट इज नोन एज प्रोलीफ्रेशंस. कह रहे का कि अगर नेक के पार्ट्स में अगर इसमें कोई भी चीज का डिस्टर्बेंस होता है या हमारा क्या कहते हैं डैमेज होता है तो वहां से वो नया अपना फिर से वो ग्रोथ कर सकता है. इस वजह से इस एरियाज को हम लोग कह सकते हैं प्रोलीफ्रेशंस यानी कि एरिया ऑफ प्रोलीफ्रेशंस. ओके नेक्स्ट थर्ड पार्ट आता है इसका स्ट्रोला बिला STROBIL स्ट्रोला बिला. इट इज रेस्ट पार्ट ऑफ बॉडी एंड कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस सेगमेंट्स और प्रोग्लॉटिड्स. कहते हैं नेक के बाद का जो भी पोर्शन बच जाता है वो उसको हम लोग कहते हैं स्ट्रोला बिला यानी कि बॉडी का जितना भी पार्ट्स बचा हुआ पार्ट्स होगा नेक के बाद का जो भी रीजन होगा उसको हम लोग कह देंगे स्ट्रोला बिला. और इसमें ढेर सारा हम लोगों को सेगमेंट देखने को मिलेगा या फिर इसको हम लोग प्रोग्लॉटिड्स यानी कि सेगमेंटेड पार्ट को हम लोग प्रोग्लॉटिड्स भी कह सकते हैं. द प्रोग्लॉटिड्स ऑफ नेक रीजन आर इमैच्योर वाइल दैट ऑफ मिडिल रीजन आर मैच्योर्ड एंड पोस्टीरियर वंस आर राइप मैच्योर प्रोग्लॉटिड्स बियर कंप्लीट सेट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन एंड आर इक्वल इन लेंथ एंड विड्थ. कहता है क्या कि हमारा नेक भी नेक पोर्शन में भी प्रोग्लॉटिड्स यानी कि सेगमेंट पाया जाएगा लेकिन वह जो है वो हमारा बिल्कुल इमैच्योर होगा यानी कि मैच्योर नहीं होगा. क्यों? क्योंकि वो नेक रीजन में और नेक रीजन में कोई भी जो फर्दर प्रोसेस होता है वो नहीं होता. वहां पर सिर्फ और सिर्फ प्रोलीफ्रेशन का ही प्रोसेस होगा. वाइल डैट ऑफ मिडिल रीजन आर मैच्योर यानी कि टैनिया सोलियम्स का जो मिडिल रीजन का जो सेगमेंट होगा जो प्रोग्लॉटिड्स होगा यानी सेगमेंट को ही हम लोग प्रोग्लॉटिड्स कहते हैं वह बिल्कुल मैच्योर पाया होगा वहां पर. और उसकी का जो पोस्टीरियर वंस होगा वो बिल्कुल राइप मैच्योर प्रोग्लॉटिड्स होगा यानी कि हम लोगों का मिडिल रीजन सॉरी टैनिया सोलियम का मिडिल पोर्शन में जो है दो तरह का मैच्योर पोर्शन पाया जाएगा यानी कि जो एंटीरियर होगा एंटीरियर मैच्योर रीजन होगा वो हमारा सिर्फ और सिर्फ मैच्योर है बट वन इज दैट कि पोस्टीरियर रीजन जो होगा वो राइप मैच्योर प्रोग्लॉटिड्स होगा. और यहाँ पर ही हम लोग टैनियोसोलियम का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है पाया जाएगा यानी कि मैच्योर पोर्शंस दो है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है पोस्टीरियर साइड में पाया जाएगा एंड आर इक्वल इन लेंथ एंड विथ. और जो हमारे जो मिडिल पोर्शंस का जो मैच्योर पोर्शंस होगा वो हमारा लेंथ और विथ दोनों में साइड में वो इक्वल्स होगा यानी कि नेक के पोर्शंस में थोड़ा नैरो होगा एंड देन बॉडी स्ट्रक्चर यानी कि स्ट्रोबिला वाला जो स्ट्रक्चर का जो तुम आपका मिडिल पोर्शंस होगा वो हमारा इक्वल लेंथ और विथ में होगा एंड देन फिर लास्ट जो टेल वाला जो पोर्शंस होगा यानी कि लास्ट पोर्शंस होगा वो हमारा फिर से वो नैरो हो जाएगा. ओके तो फ्रेंड्स आज हम आप लोगों को इस वीडियोस में बॉडी पार्ट्स स्ट्रक्चर्स सब पढ़ा चुके हैं. हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियोस में इसका जो है डायग्राम बताएंगे कि स्ट्रक्चर जो है वो हेड जो है कहाँ पाया जाएगा फाइनली उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है एंड देन फिर वो नेक जो है और फिर स्ट्रोबिला में जो अभी हम आप लोगों को बताए राइप मैच्योर प्रोग्लॉटिड्स एंड देन फिर इमैच्योर प्रोग्लॉटिड्स और फिर हम दिखाएंगे आप लोगों की लेंथ और विड्थ में कैसे ये इक्वल से स्ट्रक्चर. ओके फ्रेंड्स बाय बाय. नेक्स्ट वीडियो से हम मिलते हैं आप लोगों से. थैंक यू.